सरकार की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदास। मेष राशि वालों, जब तक व्यक्ति अपने भीतर के अंधेरे को, निराशा को पहचानता नहीं है, तब तक वह धरती का सही वारिस नहीं बन पाता। इस व्यक्तियों को न तो अंधेरे की परख होती है, नहीं तो सही रोशनी की। भाग्य और ग्रहों के शुभ प्रभाव के लिए, सफलता के लिए मारे मारे घूमते रहते हैं। तिकार, तिरस्कार, असफलता, अनादर, दंड, पीड़ा, विनाश अथवा हानि से हमेशा परेशान रहते हैं। हालांकि मेष राशि के लोगों को अगस्त 2022 में अभिशाप और अंधेरों में पटकने से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि सावन महीने में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। परिवर्तन और पराक्रम के दाता मंगल आपकी खुद की कुंडली में आकस्मिक धनभाव के लोड होकर आपके खुद के धनभाव में स्थित होने वाले है। तो सूर्य और बुध विद्या भाव में योग कारक बनेंगे। धने शुक्र सुख भाव में धमाल मचाने वाले हैं, साथ में शनि भी योग कारक बन रहा है, जिसका लाभ आपको अवश्य मिलने जा रहा है। दोस्तों, ग्रहों के प्रभाव से जहां अगस्त में देश में राजनीतिक विपक्षी पक्ष सत्ता पक्ष को परेशान करेगा, आंदोलन सत्याग्रह होगा, तो विभाजनकारी अराजकतावादी बड़ी हस्तियां भी उसमें कूद पड़ेगी। तो सत्ता पक्ष का एक और ब्रह्मास्त्र पूरे भारतीय समुदाय को मजबूत करेगा। भूकंप, बारिश, बाढ़ के साथ हवाई दुर्घटना भी समाज में भय का माहौल पैदा कर सकती है। मैंने मई में भविष्यवाणी महाराष्ट्र को लेकर की थी और वह 100% सच भी होती जा रही है। आप चाहे तो वह वीडियो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं मेष राशि मासिक राशिफल। अगस्त राशिफल 2022 के अनुसार अगस्त का महीना मेष राशि वाले व्यक्तियों को कारोबार में लाभ, कार्य क्षेत्र में तरक्की एवं नौकरी में नई ऊंचाई उपस्थित करने वाला बनने वाला है। इस महीने कारोबार में आपको काफी ज्यादा लाभ होगा, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा तो नौकरी में भी आपकी छवि सुधरेगी। जिस अधिकारियों के साथ आपकी अनबन चल रही थी, उसके साथ वह छोटे छोटे मनमुटाव दूर होंगे। सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा तो अगस्त में माहौल में बदलाव, गठबंधन, साझेदारी और जनसंपर्क की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है। जहां एक ओर सावन महीने में भगवान भोलेनाथ की आप पर कृपा बरसेगी, तो दूसरी ओर महालक्ष्मी देवी का भी आपको आशीर्वाद मिलता नजर आएगा, जिससे आपके कई अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। समाज में जिस मान सम्मान की चाहना थी, उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, तो वहां पर पद उपलब्धि के रूप में लाभ मिलेगा। इस दौरान आपको विदेश यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। सबसे अच्छा लाभ उन युवाओं को प्राप्त होगा जो संयम बरतते हुए किसी कार्य की तलाश में थे। जी हाँ, IT, इंजीनियरिंग, मेडिकल, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, फैशन डिजाइनिंग एवं टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े शिक्षार्थी हैं, तो आप बेहतर जॉब की आशा कर सकते हैं, क्योंकि उत्तीर्ण छात्रों के लिए भी राजयोग वाली स्थिति बन रही है। 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में केंद्र सरकार अथवा तो राज्य सरकार के विभागों में प्रतीक्षित जो कार्य थे वह सम्पन्न हो गए। लोन के आवेदन दिए थे वह मंजूर हो गए, तो आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी भी उचित दाम पर बेच सकती है। और सबसे बड़ा लाभ गुप्त शत्रु एवं प्रतिस्पर्धियों को परास्त करने के रूप में मिलने जा रहा है। काफी दिनों से जॉब में बदलाव या जॉब के अलावा कोई अन्य कार्य के लिए प्रयत्नशील है, तो उनका भी अचानक लाभ मिलेगा। कला, साहित्य, संगीत एवं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो आप बड़ी डील करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस समय किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिला लाभ आपकी जिंदगी बदल सकता है। जो भोजनालय, यातायात, टूरिज्म, पोलाद संबंधित कार्य से जुड़े लोग भी बेहतर लाभ की आशा कर सकते हैं। जहां ग्रह गोचर आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ाएगा, प्रेम विवाह की संभावना बनाएगा, तो कोई खास व्यक्ति को अपना बनाने के लिए प्रयत्नशील है, वह आपको सामने से प्रपोज कर सकता है। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, तो दूसरी ओर खनिज व्यवसाय, गुप्तचर विभाग, कोयला एवं ई कॉमर्स से जुड़े लोग लाभ में रहेंगे। यहाँ तक अगस्त के महीने में लंबे समय से दिल में दबी कोई इच्छा, आकांक्षा या फिर महत्वाकांक्षा भी पूर्ण हो सकती है। अकस्मात धन प्राप्ति के इच्छुक लोग भी लाभ लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि किए गए निवेश के साथ साथ नई योजनाएं, प्राप्त कार्य बड़े सौदे फलीभूत होना तय है। पैतृक संपत्ति एवं करियर में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे, तो व्यापारी लोग भी किसी बड़े सौदे को अंतिम रूप दे सकेंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। हालांकि
अगर अगस्त में आप पार्टनरशिप से कार्य करने की इच्छा बना रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखते हुए निर्णय लीजिए। महीने के अंत तक आप खुद ही सब कुछ समझ पाएंगे। 15 अगस्त के बाद बड़े लीडर और बड़े स्थान पर स्थित लोग भी वाकई में कमाल कर पाएंगे। गुप्त व गुपचुप तरीके से होने वाली मंत्रणाएं, गुप्त मुलाकात व पर्दे के पीछे ढेर सारी सौदेबाजी वार्ता होने की संभावनाएं बन रही है, जिसका भी आपको लाभ मिल सकता है। आपका बुद्धिमानी भरा कदम आपके भविष्य को काफी हद तक सुरक्षित कर सकता है, क्योंकि पूरे अगस्त महीने में धन संबंधी दृष्टि से देखें तो आपको फंड, वित्त, निवेश एवं जल्द से जल्द अमीर बनने की ऑफर प्राप्त हो सकती है। और व्यवसाय और खुद का व्यापार कर रहे जातक का दृष्टिकोण व विनम्र रवैया आपको व्यवहारिक तौर पर सफल होने में मददगार भी साबित करेगा। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर होने वाली दिक्कतें पारिवारिक जीवन में मानसिक अस्वस्थता पैदा कर सकती है। मानसिक उलझन के साथ पिता के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए यह महीना आराम से निकालने की सलाह देते हैं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।